कोई हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कंवलपाल गुर्जर ने विद्यार्थियों को व्यवसाय का टूल किट मुहैया कराए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल हरियाणा सरकार 10वीं और 12वीं कक्षा के 50,000 विद्यार्थियों को व्यवसायिक टूल किट मुहैया कराएगी। शिक्षा विभाग की ओर से इसका ऐलान कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि 27 मई को प्रदेश में 900 स्कूलों में टूल किट वितरित की जाएगी और इस पर पूरे कार्यक्रम को लेकर विभाग की ओर से स्कूल प्रिंसिपल और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवलपाल गुर्जर ने कहा कि इस पहल से विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल शिक्षा ग्रहण करने में मदद मिलेगी और जिससे वे आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो हमारे वोकेशनल स्टूडेंट हैं और जिनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उनके लिए एक टूल किट देने का फैसला किया गया और इससे उनको एक बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वो उस टाइम ही अपने विद्यार्थी टाइम में वो प्रैक्टिकल वो सारे काम कर सकेंगे। जैसे हमारे यहाँ परिधान का है, ऑटोमोबाइल का है, हेल्थ का है, ब्यूटी वेलनेस का है, एग्रीकल्चर का है, तो इस टाइप के कुछ जो कोर्स हैं उनमें हमने टूल किट दिए ताकि वो प्रैक्टिकल रूप से उस काम को कर सकें और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, प्लस टू करने के बाद वो बाहर आए। अगर वो उस समय ये तो आगे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो अलग बात है, अगर उस टाइम वो कोई भी काम करना चाहते हैं ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें, वो अनुभव को लेके साथ आए और अपना काम शुरू कर सकें। सर, इसके अंदर कोई कैटेगरी बनाई गई है? नहीं, देखिए, इसमें हमें जो हमारे 769 स्कूल जो हैं और 50,000 बच्चे हैं, तो उन सारे बच्चों को हम दे रहे हैं। सर, एक सवाल और है मेरा, अभी कांग्रेस हरियाणा के अंदर पूर्व विधायक कुछ शामिल हुए, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, विधायक उन्हीं के विधायक थे, अब उन्हीं के कुछ कारणों से, चाहे उसको आप ग्रुपबाजी कह लो या कुछ भी कह दो, जो भी उनका था उसकी वजह से ही वो कांग्रेस को छोड़ के गए थे एक टाइम में, और दोबारा फिर उन्हीं लोगों ने कांग्रेस को दोबारा से ज्वाइन कर लिया। तो मैं नहीं समझता कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आया, उनका आंतरिक मामला था जिसकी वजह से छोड़ के गए, आज भी उनका ही अपना मामला है, उसी की वजह से वापस आ गए। सर,